जी हुण आपां एक अपने दादा जी सरदार जगराज सिंह गिल सो बड़ा कुछ आ जिहड़ा इन्हां कोले सांभिया पिया सो कोशिश करांगे आपां इन्हां तों कुछ सिखण दी ते सुणन दी। तो बहुत सिफारशां पिंड चों वी लोग कह रहे सी वी घरे एडा वड्डा खजाना पिया बापू जी इन्नियां गल्लां बातां आउंदियां ते कुछ ना कुछ सुनिया करो। सो अज भी आपां इक छोटी जी कविशरी है इन्हां तों बाबा जी कहिंदे मैं साथ दे दूंगा नाल सो कविशरी सुन रहे हां। बापू जी किहदी कविशरी सुना रहे हो? चलो सरवण भगत दी सुणाउंदे आ जी कविशरी ते सुणो किरा। चक तुर पिया तुंबी नूं अंगला अंगली पै गए खैड़े वजा ठेडा तुरदे नूं होए सगन बहुत ही पैड़े रोही जा हरना नूं जानी चितरे फिरन दबली कुछ होके सरवण दे चंदरी मौत नाल तुर चली सब सरसर करदे सब सरसर करदे सी हर एक चीज जापदी डरना गल भगमी चोली है पैरी पौए सिर ते परना रस्ते विच जांदे दी सैमी जावे जाने अकली खुश हो के सरपण ते चंदरी मौत नाल तुर चली बोलन चुगल ते कोचरिया दौला पाउंदे उल्लू कुत्ते लोक छिपके टो टो के पहुंचायान ताल दे उत्ते लो होगी तारिया दी अद्धी रातो रात सी टली खुश होके सरपण ते चंदरी मौत नाल तुर चली जी करे इशनान लिया बाणी इष्ट देव दी पढ़ के ए वाका होया सी कोई ढूंढ पैर दे तड़के लो होगी तारियां दी अद्धी रातों रात सी टली खुश होके सरपण ते चंदरी मौत नाल तुर चली बिच पाई पानी दे तुंबी डुब डुब करके बोली सुन खड़का जसरथ ने तीर कमान हथां ते तोली मद निर्दोष बचारे नू मारन मुखी तीर दी हल्ली खुश होके सरपण ते चंदरी मौत नाल तुर चली पिछे परतन लग्या जा पिछे परतन लग्या जा बिनगी मुखी तीर दी सीना टमनगी मुखी तीर दी सीना डिग्या राम राम कह के लगियां रोन ताल दियां मीना जख्म बचारे दो जांदी पीड़ न जख्म दी चली खुश होके सरपण ते चंदरी मौत नाल तुर चली सुन बोली बंदे दी जसरथ भज के आ गया कोले पैरां वल खड़के ते पारस नाल निमरता बोले सरबन सा तोड़ गया जख्म दी पीर न जावे चली जख्म दी पीर न जावे चली खुश होके सरबन ते चंदरी मौत नाल तुर चली। सो हां जी बहुत ही वधिया जिहड़ी कविशरी आ बापू जी दी आपां तुहानूं दिखाई आ। सो वध तो वध इहनूं शेयर सपोर्ट करिओ फिर आपां होर भी जिहड़ियां कलाकारियां इहनां च बजुर्गां दे विच आ हैना ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗਿੱਲ ਡੋਡ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਆ ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।